पूर्व भाजपा नेता और निकाय चुनाव में कांग्रेस में शामिल हुए बलवीर सिंह तोमर ने ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार के इशारे पर उनके पुत्र अवधेश तोमर पर रासुका की कार्रवाई किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वार्ड क्रमांक 19 से कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी को उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके पुत्र अवधेश तोमर पर जिला बदर और रासुका लगाए जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र छात्र राजनीति के दौरान उस पर 7 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें वह बरी हो चुका है और पूर्व में 2 चुनाव भी लड़ चुके हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर अवधेश तोमर के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली कांग्रेस में आकर के हमारी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अवधेश तोमर उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल कॉलेज से किया, पोस्ट डिप्लोमा ने स्पोर्ट्स किया, नेट क्वालिफाइड है और जीवाजी यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों तक असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य भी किया, राजनीति में इंटरेस्टेड है। छात्र जीवन के कुछ केस थे, कुछ 1-2 केस बात में थे, उसमें समय FIR पेश हुई है, ER लगी हुई है, आज की डेट में कोई केस नहीं है, फिर भी पेपरों द्वारा जांच विभाग के जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो सीट 19 नंबर सीट में कांग्रेस विनिंग स्थिति में जीत रही है, बीजेपी बौखला गई है और बौखलाहट के कारण इस तरह के उल्टे सीधे निर्णय। कितने केस थे आपके बच्चे में, कितने केस से बरी हो चुकी है? करीब 7 केस थे, उनमें सब में बरी है। 2008 से छात्र जीवन से फिजिकल कॉलेज के टाइम पे एग्जिट कॉलेज से झगड़े के केस, कुछ इस तरह के केस थे। बीजेपी में केस दबा दिए गए थे क्या? बीजेपी में 2 चुनाव लड़े जब कोई प्रॉब्लम नहीं था, 2 विधानसभा के चुनाव हुए पिछले, जब कोई पार्टी छोड़ने के लिए बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई करवा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि ये बदले की भावना की कार्रवाई है। हमारा कहना ये है कि भाजपा में जब तक व्यक्ति रहता है तभी तक वो जो है शुद्ध और पाक साफ रहता है। आज बलवीर सिंह तोमर जी जो पूर्व पार्षद हैं और वो भाजपा से कांग्रेस में आए, उनकी श्रीमती जी को कांग्रेस ने 19 नंबर वार्ड से टिकट दिया और टिकट दिया उसके बाद आपके ही समाचार पत्रों में छपता है कि उनके लड़का अवधेश सिंह तोमर पर रासुका की कार्रवाई प्रशासन करने जा रहा है। हमारा कहना ये है कि ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाई अगर भाजपा करती है, आज चुनाव का वक्त है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और चुनाव के टाइम पर आचार संहिता की वजह से हम कोई मूवमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है, ये दुर्भावना अलग झलक रही है, पब्लिक को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति अभी तक भाजपा में थे तब बिल्कुल शुद्ध पाक थे, आज उन पर कोई केस नहीं है, पुराने केस जो थे उसमें सब में वो बरी हो चुके हैं और अपने सामान्य जीवन जी रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के कार्रवाई की जा रही है। घोड़ापुर में अशोक बग्गा पर जो है उस पर फोन आया, ऑडियो है उसकी और उसको पिछले 4-5 दिन से वो आवेदन दे चुका है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, उसको जान से मारने की धमकी दी गई है। अशोक बग्गा है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको धमकी दी है राजू राय ने। राजू राय वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जान से मार दिया जाएगा बस। कारण तो जिसने धमकी दी है उससे पूछो यार, मुझसे क्यों पूछो। आपको अब तक कराया गया है कि धमकी दी गई है, तो धमकी का कारण आपको बताया होगा? नहीं नहीं, वो प्रचार कर रहा है कांग्रेस का, इसलिए। और क्या? ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।